तो आज हम एक ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मतलब बहुत ज़रूरी है आपको इसके बारे में जानना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप वो कर ही देते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्यों मैंने सिलेक्ट किया, मैं ऑलरेडी इस पर कुछ एक डेढ़ साल पहले वीडियोस बना चुका हूँ, एक्चुअली वीडियोज ही, क्योंकि मैंने दो तीन वीडियोस पे बनाई थी एंड एक वीडियो पे ऑलरेडी 8 लाख से ज़्यादा व्यूअर भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेसबुक पे सुना होगा राबी पीरजादा के बारे में कि उनकी जो कुछ कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और इतने ज़्यादा कमेंट्स, मतलब इतने ज़्यादा पेज, जो भी मीम्स वाले पेज हैं उधर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसका लिंक दो लिंक। तो लिंक कहाँ लेना कहाँ है भाई, लिंक क्या करना है, क्यों किसी की मतलब ऐसे आप एक वीडियो को मतलब क्या। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मतलब इस चीज़ को बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि हम तो भाई बड़े मतलब पता नहीं क्या हैं कि हम लिंक मांग रहे हैं तो हम कोई बहुत कूल लग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर यार दराज की एक सेल लगने वाली है, एक सेल 11/11 मतलब 11वें महीने की 11 तारीख वाली, तो उस पर एक वीडियो हो जाए या ना हो, मैं सोच रहा हूँ एक मतलब उनका पोस्टमार्टम हो जाए, देखा जाए, बताया जाए कि डील्स क्या हैं। हाँ, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो भाई, अब राबी पीरजादा ने ये कहा है कि भाई उन्होंने FIA को में भी रिपोर्ट किया है, ठीक है, उसके अलावा उन्होंने PTA से भी रजू किया कि उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी इंटरनेट से डिलीट किया जाए। लेकिन जिन लोगों ने अब डाउनलोड कर ली हैं वो तो कर ली, अब अगर मेरे मोबाइल में वीडियो आ गई तो वो वीडियो नहीं जाने वाली, 3, 4, 5 जो भी वीडियोज़ थी, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख लिया आपने तो मतलब इसमें इतनी ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको आगे फैला रहे हो तो मतलब ये बहुत गलत बात है, ठीक है, मतलब आपने देख ली तो देख ली, लेकिन उसको फैलाना गलत बात नहीं यार, मतलब किसी को तो उधर ही देखो, डिलीट कर दो, आपका काम हो गया, देख ली क्या फिर मतलब क्या। तो देखो भाई, यहाँ पर बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि अच्छा, रावी पीरजादा ने ये कहा है कि उन्होंने उनकी जो है मोबाइल, जो उन्होंने एक आईफोन ख़रीदा था किसी कंपनी से, डैश जो भी कंपनी थी, उधर से उन्होंने आईफोन ख़रीदा और बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से उन्होंने वो आईफोन जो है वापस दोबारा उनको दे दिया। लेकिन उनका मानना यह है कि वो वीडियोस उनके स्मार्टफोन में थी जब उन्होंने उनको दिया, तो उन्होंने वहाँ से लीक कर दी, वो जो भी कंपनी है उन पे कोई एक्शन वो लेंगी, फलां जो भी हुआ इस चीज़ को, ये एक साइड स्टोरी जो भी थी, इसको छोड़ो। अब आते हैं हम अपने, एक नॉर्मल बंदा, मैं, आप, हम सब लोग। देखो भाई, तो आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो, मैं आपको यहाँ पर कुछ सेफ्टी टिप्स बताने वाला हूँ। आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो, उसको कुछ अर्सा चला के आप बेच देते हो, उसमें हो सकता है कुछ आपने ऐसी पिक्चर, हालांकि ऐसी पिक्चर लेनी चाहिए, रावी भी ज़्यादा से बंदा ये पूछेगा भाई आपको, भाई नहीं एक्चुअली बहन आपको इस तरह की पिक्चर लेने की ज़रूरत थी क्या, मतलब इस तरह की पिक्चर नहीं एक्चुअली वीडियो क्या आप आ रही हैं, हैं वो चीज़ें सारा कुछ मतलब सिस्टम दिखा रही हैं क्या क्या, मतलब नहीं समझ में नहीं आता। चलो छोड़ो इस चीज़ को, अब अगर आप स्मार्टफोन एक अपना लेते हैं, आपको अगर उसको बेचना है तो आपको बहुत ही ध्यान में रखना होगा कि उसको एक बार नहीं बल्कि आपको उस फोन को 2 बार रिस्टोर करना होगा। जी हाँ, आपको 2 बार उसको फोन को रिस्टोर, क्योंकि एक बार रिस्टोर करने से उसमें कुछ जो फाइल्स हैं वो रह जाती हैं और वो फाइल कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ़ोन है, आपकी फैमिली में आपकी अम्मी बहन कोई भी यूज़ करता है, तो वो फ़ोन आप जाते हो शॉप पर बेचने, जाहिर सी बात है कोई बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उन्होंने अपनी पिक्चर्स ली हुई होंगी, नॉर्मल पिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो जब जाता है तो अगर कोई ऐसा बेगैरत बंदा बैठा हुआ जो मतलब कोशिश करेगा उन चीज़ों को रिकवर कर ले, ठीक है, देखेगा इसमें भाई कौन सी पिक्चर थी क्या था, तो वो सारी पिक्चर आपने एक बार अपनी तरफ से रिस्टोर किया, फ़ोन आपकी तरफ से फ़ोन साफ है, लेकिन आपको उसको एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार फिर रिस्टोर करना है, उसके बाद जाके वो फ़ोन बिल्कुल साफ होगा, एक बार नहीं करना, तो वो बंदा उससे रिकवर कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अपना फ़ोन जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, मतलब किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी तरह के भी आप किसी मोबाइल फ़ोन वाले के पास अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, पहले तो कोशिश करें कि ट्रस्टेड बंदा हो, मतलब जिसको आप जानते हैं, किसी भी तरह से जानते हैं वो बंदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने फ़ोन को खुद अपनी तरफ से जो जो उसमें सेफ्टीज कर सकते हैं वो कर लें, उसको पहले तो कोशिश करें 2 बार रिस्टोर कर दें, और अगर आपका फ़ोन ख़राब है, चल नहीं रहा, तो उसको आप रिस्टोर किस तरह करेंगे, ये भी इशू है, तो कोशिश करें कि वहाँ पास बैठ के उसको ठीक कराएं, बजाय इसके कि आप वहाँ पर देके आ जाएं, स्पेशली तब जब वो आपके किसी फैमिली मेंबर का, स्पेशली किसी फीमेल का, अगर आपका है तो आपने भाई बीच में क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सर्च किया होगा, सर्च हिस्ट्री वो आपकी देख लेगा, गंदी गंदी चीज़ें आप देखते हो, क्या कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ सीन है तो भाई लाजमी ये चीज़ ध्यान में रखो। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पे जो डिफरेंट टाइप के लिंक्स आते हैं ऐप डाउनलोड करने वाले, इस तरह के ऐप डाउनलोड ना करो जो मतलब आपका सारा डाटा आपकी गैलरी तक एक्सेस ले लें और उसके बाद भाई आपकी गैलरी की सारी पिक्चर अपने सर्वर पर अपने
ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہاں سے بھائی آپ کو کوئی ایشو پہنچانے کی, مطلب آپ کو کچھ نقصان ہو جائے آپ کا اور کوئی ایشو بن جائے, تو اس طرح کا سین کوشش کریں گے نہ کریں. اب جیسا کہ میں ایک پیچھے نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایک کمپنی ہے, وہ مطلب اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے جو آفیشیلز ہیں, چاہے آرمی کے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے آفیشیل, ان کو ان کے فون میں ڈفرنٹ ٹائپ کے مالویئر, ڈفرنٹ ٹائپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈال کے ان کا ڈیٹا چرا رہے ہیں. تو اس طرح کا سین ہو رہا ہے, تو بچو ان چیزوں سے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی کیا کیا ہمیں کرنا ہے سیفٹی کے لیے. اچھی لگی ہو تو لائک, چینل میں سبسکرائب, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.